नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 मार्च 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल हंता वायरसेस के बारे में है। देखो, पूरी दुनिया अभी फ़िलहाल परेशान है कोविड-19 की महामारी से, जो कि फैल रहा है नोवल कोरोना वायरस से, जिसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था चाइना की वुहान सिटी में। अब देखो, चाइना से ही एक और वायरस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके इन्फेक्शन से हाल ही में चाइना के यूनान प्रोविंस में एक पर्सन की डेथ हो गई। जैसे ही पता लगा कि पर्सन हंता वायरस से इन्फेक्टेड है, उसके कुछ ही समय बाद 23 मार्च 2020 को उस पर्सन की डेथ हो गई। तो हंता वायरसेस के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हंता वायरसेस देखो, वायरसेस की एक ऐसी फैमिली है जो स्प्रेड करते हैं रोडेंट्स के थ्रू, रोडेंट जैसे चूहा। देखो, नोवल कोरोना वायरस का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है नोवल कोरोना वायरस, बट हंता वायरस के साथ ऐसा नहीं होता। तो जितना नोवल कोरोना वायरस घातक है, उतना खतरनाक ये हंता वायरस नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि चूहे से ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट कर सकता है। अगर चूहे में या फिर किसी दूसरे रोडेंट में ये हंता वायरस है, तो उस रोडेंट से यानी चूहे से ये जो हंता वायरस है ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसलिए सावधान रहने की तो आवश्यकता है। सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे कोविड-19 के हैं, यानी नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के हैं, जैसे कमजोरी, बुखार, मसल्स में दर्द, पेट में प्रॉब्लम्स, खांसी, सांस मुश्किल से आना। ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद भी होती हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स या फिर डिजीज़ हैं जो हंता वायरस से इन्फेक्शन के बाद होते हैं। जैसे देखो, हंता वायरसेस पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी का मतलब है फेफड़े, या फिर हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, रीनल का मतलब होता है गुर्दे। देखो, हेमरेजिक फीवर जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल डेंगू, इबोला, ये एग्जाम्पल्स हैं हेमोराजिक फीवर के। देखो, अभी हंता वायरस से इन्फेक्शन का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो सिम्टम्स के हिसाब से इलाज करने की कोशिश की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हंता वायरस के बारे में। बस आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हंता वायरस का नहीं होता है। इस वजह से जितना खतरनाक नोवल कोरोना वायरस है, उतना खतरनाक हंता वायरस नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से संबंधित है। आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर है हुबली और ये है अंकोला, और ये लाल रंग की रेलवे लाइन प्रपोज्ड है, जिसकी टोटल लेंथ है 164.4 किलोमीटर। लेकिन देखो, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था इस रेलवे लाइन को लेके, क्योंकि जिस रीजन से ये रेलवे लाइन पास होकर गुजरेगी, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, दो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर, एक काली टाइगर रिजर्व, दूसरा बेरिथी कंजर्वेशन रिजर्व। ये दोनों जो हैं वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो लोकल एक्टिविस्ट ने काफ़ी विरोध किया कि आप ये रेलवे लाइन मत इस्टाब्लिश कीजिए हुबली से लेके अंकोला के बीच, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इवन जो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने भी मना किया था कि नहीं, ये रेलवे लाइन नहीं इस्टाब्लिश की जानी चाहिए। बट देखो, अब कर्नाटका के CM ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। तो थोड़ा सा हम काली टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, कर्नाटक में है, दो इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया से मिलकर बना है काली टाइगर रिजर्व, एक दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा अंसी नेशनल पार्क। यहाँ पर मोस्ट डेसीडस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, और बीच बीच में एवरग्रीन फॉरेस्ट के पैचेस भी हैं। फोना कौन सा मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर देखो, टाइगर, लियोपर्ड, एलिफेंट, बिशन, वाइल्ड डॉग, सांबर, स्पॉटेड डियर, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर,
हनुमान लंगूर, हनुमान लंगूर जिसे ग्रे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है, बोनेट, मैकक, वैरायटीज ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स की काफ़ी सारी वैरायटीज और बर्ड्स की भी काफ़ी सारी वैरायटीज मिलती हैं काली टाइगर रिजर्व में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी बिल 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? होम मिनिस्टर ने लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का एम ये है हमारे देश में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देखो अभी गुजरात के गांधीनगर में जो गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है इसी को अपग्रेड करके नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है। समझ गए? मतलब अलग से यूनिवर्सिटी नहीं इस्टेब्लिश की जाएगी, गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। काम क्या होगा इस नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का? काम देखो ये होगा हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में देखो फोरेंसिक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हमारे देश में अभी फोरेंसिक साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा जो पुलिस पर्सनल हैं या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो एक्यूज्ड को मारने पीटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में फोरेंसिक साइंस काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। इसलिए एक्यूज्ड को मारे पीटे बिना फोरेंसिक साइंस की सहायता से सिक्योरिटी एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि जिसको हमने पकड़ा है या फिर जिस पर शक है वास्तव में उसने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। जबकि हमारे देश में कोशिश ये होती है पुलिस की कि शक जिस पर है उसको मारा पीटा जाए और अपराध कबूल करने पर मजबूर किया जाए। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये फोरेंसिक साइंस या फिर साथ लगते जो एरियाज हैं जैसे बिहेवियरल साइंस, लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इन सब एरियाज में रिसर्च और स्टडी को प्रमोट करेगी ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो NCDC के कंट्रोल रूम में गए और टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भी गए। तो PIB में आर्टिकल छपा है NCDC के बारे में। ये देखो इंस्टीट्यूट है जो कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। हमारे देश में डिजीज़ की सर्विलेंस के लिए नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, ये सब भी काम देखा जाता है NCDC के द्वारा। पहले इस इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2009 में इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और बन गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी NCDC। जैसा हमने डिस्कस किया, अगर देखो किसी डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जाती है NCDC के द्वारा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आती है ये बॉडी नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केसेस की सर्विलियंस के मद्देनज़र। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स सुर्खियों में देखो इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया है और भूकंप के बाद US की अथॉरिटीज ने चेतावनी दी कि सुनामी जनरेट हो सकती है इस भूकंप की वजह से। कुरिल आइलैंड्स वैसे देखो समय समय पर सुर्खियों में आते रहते हैं क्योंकि जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूट है इन आइलैंड्स को लेके। अभी इन आइलैंड्स पर रशिया का कब्जा है, मतलब रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन है इन आइलैंड्स के ऊपर, बट जापान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये आइलैंड्स हमारे हैं। ये जो आइलैंड्स हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट हैं। लोकेशन आप देख लीजिए, UPSC के द्वारा पूछा जा सकता है कहाँ पर हैं ये कुरिल आइलैंड्स। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने हंता वायरस के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया, हमने
दूसरे नंबर पर आर्टिकल डिस्कस किया, हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से संबंधित अप्रूवल दे दिया गया है कर्नाटक के सीएम के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए विरोध के बावजूद। तीसरे नंबर पर हमने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 के बारे में डिस्कस किया। चौथे नंबर पर हमने जाना एनसीडीसी के बारे में, काफ़ी सुर्खियों में है ये बॉडी। सबसे लास्ट में हमने जाना कुरील आइलैंड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।